हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रिचा। आज हम जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के, जो कि बीएड का एक टॉपिक है, उसके हम कुछ बेसिक टर्म्स को बहुत ही क्विक रिवीजन में समझेंगे। फर्स्ट इज सेक्स एंड जेंडर। सेक्स क्या होता है? सेक्स रेफर करता है बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल, कि मेल और फीमेल में जो शारीरिक भिन्नता होती है उसे सेक्स कहा जाता है। सेक्स और जेंडर को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, बट दे बोथ आर डिफरेंट। सेक्स क्या होता है? जो कि शारीरिक भिन्नता को दर्शाता है एक मेल और फीमेल के बीच में। सेक्स इज ऑल्सो नोन एज द प्रेफरेंस ऑफ सेक्सुअल पार्टनर और मेट दैट वन डिजायर्स। अ पर्सन्स प्रेफरेंस डिटरमाइंस देयर सेक्सुअल आइडेंटिटी। There are three types of preferences. One is, first is heterosexual people, second is homosexual people, and third is bisexual people. Heterosexual people वो persons होते हैं जो कि opposite sex को interact करते हैं, homosexual जो कि same sex को interact करते हैं, and bisexual interact to the either male or female. It does not matter. Okay. So next is gender. जेंडर क्या होता है? जेंडर इज द रिजल्ट ऑफ अ सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडियाज अबाउट द बिहेवियर एक्शंस एंड रोल्स अ पर्टिकुलर सेक्स परफॉर्म्स। ओके, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जो एक व्यवहार होता है, एक पर्सनैलिटी के बिहाव पे हम जेंडर्स में लोगों को कैटेगराइज करते हैं। अब एक टर्म, दो टर्म्स आती हैं, मैस्कुलाइन। ये क्या होती है? मैस्कुलाइन होता है कि जो कि मेल्स के लिए जो वर्क दिए जाते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या कोई हार्ड वर्क, लेबर वर्क, इंजीनियरिंग, तो ये जो ये काम करते हैं उनको मैस्कुलाइन कैटेगरीज में रहते हैं। और जो फीमेल्स के लिए काम होते हैं, जैसे घर का काम करना, खाना बनाना, बच्चों की केयर करना, जो सॉफ्ट वर्क्स होते हैं, वो फीमेल्स में काउंट किए जाते हैं। तो वो पर्सन्स, अगर हम समराइज करें, जो मैन होंगे मतलब मेल सेक्स प्लस मैस्कुलिन सोशल रोल्स। इफ अ पर्सन, इफ अ मेल पर्सन डज द फीमेल वर्क, देन इट मीन्स ही इज नॉट अ मैन। दे आर मेल सेक्स प्लस फेमिनाइन सोशल रूल्स। ठीक है, वुमेन फीमेल सेक्स प्लस फेमिनाइन रूल्स। तो ये था हमारा जेंडर और सेक्स मेन डिफरेंस। अब हम देखते हैं जेंडर बायसनेस। बायसनेस क्या होता है? जब भी किसी के बीच में भेदभाव किया जाता है, बायस का मतलब भेदभाव करना, जब किसी के साथ हम भेदभाव करते हैं तो उसको हम बायसनेस कहते हैं। और जेंडर बायसनेस क्या होता है? जब हम एक जेंडर को लेकर भेदभाव करते हैं कि लड़का है तो उसको ये जॉब मिलेगी, लड़की है तो उसको नहीं मिलेगी, दैट इज कॉल्ड द जेंडर बायसनेस। इन इंडिया जेंडर बायसनेस रेफर्स टू हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज बिटवीन मैन एंड वुमेन। इंडिया में इन जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज के बीच में भेदभाव किया जाता है। नेक्स्ट इज जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी का मतलब है कि उनको वो भेदभाव खत्म करना, उनको इक्वालिटी देना, चाहे मैन है चाहे वुमेन है, दे शुड बी गिवन द इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड द इक्वल टीचिंग मेथड शुड बी यूज फॉर दैम। ठीक है, तो नेक्स्ट इज स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है? स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि कुछ पहले से चले आ रहे आइडियाज हैं, नोशंस हैं, जिसको कि आगे तक माना जाता है और उसी के बिहाव पे डिसीजन ले लिए जाते हैं, बट ये बिल्कुल ही गलत चीज है। जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब है कि एक, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके साथ एक किसी एक पर्सन के साथ गलत व्यवहार हुआ या गलत एक्सपीरियंस रहा, तो आप क्या मान के चलते कि उस कैटेगरी के सब पर्सन जो वो ऐसे ही होंगे, दैट इज कॉल्ड द जेंडर स्टीरियोटाइप। कि आप एक पर्सन के साथ जैसा बिहेवियर हुआ उसी को सबके साथ काउंट कर लेते हो। अ जेंडर स्टीरियोटाइप इज अ जनरेशन व्यू और प्रीकंसेप्शन अबाउट एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टर्स दैट वन और दैट आर और ओट टू बी पोसेस्ड बाय और द रोल्स दैट आर और शुड बी परफॉर्म्ड बाय वुमेन और मैन। मतलब कि आप एक आइडिया लगा लेते हो, एक प्रीकंसेप्शन लगा लेते हो कि सब पर्सन ऐसे ही करेंगे। बेसिक एग्जांपल्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स में आते हैं, फोर टाइप्स में लेते हैं हम इनको, पर्सनैलिटी ट्रेट, डोमेस्टिक बिहेवियर, ऑक्यूपेशन और फिजिकल अपीयरेंस। पर्सनैलिटी ट्रेट में क्या होता है कि हम एक पर्सनैलिटी को डिफाइन कर लेते हैं कि अगर वो शाय है वुमेन एंड हार्ड नॉट एक्सप्रेसिंग द फीलिंग्स दैट मीन्स मेल, कि हम उनको पर्सनैलिटी बिहेव पे कर लेते हैं। ऐसे कोई लड़का रोता है तो हम क्या कहते हैं कि क्या तुम लड़कियों की तरह रो रहे हो, मीन्स रोना एक वुमेन्स के लिए पर्सनैलिटी ट्रेट माना गया है। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक बिहेवियर, कि कोई घर का काम होगा तो वो वुमेन्स करेंगे, चाहे वो सब्जी लाना हो, घर की बच्चों की केयर करना हो या कोई भी डोमेस्टिक वर्क हो, वो वुमेन्स के लिए है। ऑक्यूपेशन, कि अगर कोई हार्ड काम है जैसे कि स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग, इधर लेबर वर्क, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो ये जो हार्ड वर्क्स होते हैं वो मेल्स का काम है और जो सॉफ्ट वर्क्स होते हैं वो वुमेन्स का काम है, तो इससे उनके लिए ऑक्यूपेशंस भी डिफाइन कर रखे हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल अपीयरेंस, कि अगर लड़की का हाइट क्या है, लड़के से कम होनी चाहिए, अगर ज्यादा है तो उसको हील नहीं पहननी चाहिए, कि वो लड़के के या तो बराबर दिखे या कम दिखे, बट लड़के से ज्यादा नहीं दिखनी चाहिए, तो इस तरह से कुछ फिजिकल अपीयरेंस के रिगार्डिंग स्टीरियोटाइप्स बनाई हुई हैं। तो ये था हमारे मेन फोर कंसेप्ट्स, जेंडर, सेक्स एंड जेंडर।
जेंडर बायसनेस, जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर स्टीरियोटाइप. आई होप यू लाइक माई सेशन. थैंक यू. इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज 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 सब्सक्राइब इट. थैंक यू.